महक किचन में तस्बीह पढ़ते टहल रही थी। इसने किसी ख्याल से दीवार पर आविजा घड़ी की सिम देखा, पता नहीं ये लड़का किधर रह गया है, अभी तक तो आ जाता है, इतनी देर कर दी। मेज पर पड़ा इसका मोबाइल जलने बुझने लगा। इसने पुतलियां सिकोड़ कर और स्क्रीन पर देखा। हादी, इसने फौरन से फोन पकड़ा और कॉल उठाई। हेलो, हाँ हादी बच्चे कहाँ रह गए, मुजम्मिल किधर है? हेलो बेटा, इसने धड़कते दिल से गहरी सांस ली। आंटी, हाँ हाँ क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, साफ साफ बताओ मुजम्मिल किधर है? मुजम्मिल को बद्दू ने, वो मजीद कुछ कह नहीं पाया, आंखों के आगे धुन छाने लगी। क्या क्या बद्दू ने? आंटी वो हम मैदान में, इस तरफ फिर हादी ने इसे क्या कहा वो कुछ समझ नहीं पाई। हेलो हेलो आंटी, वो कुछ सुन नहीं पाई। वो बर्फ की तरह पिघलते हुए जमीन पर बैठने लगी। इर्द गिर्द की हर चीज स्याह लगने लगी थी। वो सुन थी, एकदम सुन। सर्द फर्श इसे माजी में बहाकर ले जा रहा था। वो अस्पताल के कमरे में चली आई थी। मदिया पलंग पर बैठी से मुस्कुरा कर देख रही थी। साथ झूले में एक सुर्ख छोटा सा बच्चा सो रहा था। उसने धीरे से इसे पकड़ा। कोई नाम सोचा मदिया? बाजी आप पहले आई हैं, आप ही बताएं क्या नाम रखूं। सोचने दो, वो सोच कर मुस्कुराई। पहले इसके कपड़े तो बदल लो, ये कहते हुए उसे पलंग पर लिटा कर कपड़े पहनाने लगी। वो अब एक इसे चादर में बांध रही थी। या युहल मुजम्मिल, ए कपड़े में लिपटने वाले, खुदा तुम्हें तो हमेशा अपनी रहमत की चादर में ओढ़े रखे। सारे मंजर आंखों के आगे किसी सीढ़ी की तरह चलने लगे थे। वो इसके पीछे भाग रही थी। मुजम्मिल खाना खा लो ना। मुजम्मिल, नो नो नहीं खाऊंगा। वो किचन में प्याज काट रही थी, तभी किसी ने इसके करीब बबल की। ये खाए? वो चंबे से बोली। क्या करे हो बेटा, खाए ना तुम ना मुजम्मिल। वो इसे मसनूई खफगी से देखते बबल चबाने लगी। अब इसने शेल्फ पर मोमबत्ती जलाई और माचिस को फूंक मारकर बुझाने लगा। मुजम्मिल बच्चा क्या कर रहे हो? इसने मुस्कुराकर गहरी सांस ली। प्याज काटते, बबल चबाने से और पास मोमबत्ती जलाने से आंखों में आंसू नहीं आते, ना ही चुभन महसूस होती है, और मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, चाहे वो प्याज काटते ही क्यों ना हो। इसने सर्द फर्श पर जोर से हाथ मारा। मेरा बच्चा हर रिश्ते से महरूम हो जाने के बाद अब इसके पास इसका बेटा ही तो था। इसकी जिंदगी भी आज सुर्ख सिग्नल पर आ रुकी थी। वो कहाँ जाए, वो क्या करे, वो किसे कहे, वो किसे बताए, वो किसे बताए? वो जो मिलता है तो सब कुछ ही भुला देता है, जाने किस बात पर दिल उसको दुआ देता है। मुझे प्यार से रोते में हंसाने वाला, याद आता है तो हंसते हुए रुला देता है। वो जायनमाज तय करके उठी। सिंघार में इस पर पड़े कप से गर्मा गर्म धुआं उठ रहा था। जायनमाज रखते इसने कप पकड़ा और चाय का घूंट लिया। वो खिड़की की तरफ बढ़ी। बारिश के बायस हर चीज नहाकर चमकती दमकती थी। वो नन्हे मोती की तरफ मुतवज्जे हुई। अनमता चलते लैपटॉप को चेहरे के रूबरू रखे अभी भी सोई थी। वो नफी में सर हिलाते मुस्कुराई। क्या करूं मैं इस लड़की का? वो पलंग पर आ बैठी। इसने लैपटॉप अपनी तरफ मोड़ा और इसकी फेसबुक लॉग आउट करने लगी। तभी ऊपर एक पोस्ट आई, वो बंद करते करते रुकी। मुजम्मिल, इसका नाम पढ़कर वो रह नहीं सकी। बराए मेहरबानी मुजम्मिल फुरकान के लिए दुआ करें, बदियों ने इसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है, इसकी हालत काफी संगीन है, आपकी दुआओं की अशद जरूरत है, शुक्रिया एडमिन हादी। थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसे ऐसा लगा था जैसे वो उधर मौजूद तो थी, लेकिन इसमें ना तो कोई जान थी ना ही कोई हरकत। बाहर से गाड़ियों के गुजरने की, चिड़ियों के चहचहाने की सभी आवाज़ें थमने लगी थी। सांस तो जैसे इसके वजूद में था ही नहीं। वो सांस लेने की कोशिश में पलंग से नफी में सर हिलाते उठी। चिराग की मोमबत्ती की लो धीमी धीमी होकर बुझ रही थी। परिस्थान में अंधेरा छाने लगा था। आज इसका दम घुटने की वजह अंधेरे से काफी बड़ी थी। वो राहदारी में दीवारों का सहारा लेकर चलती चलती सांसें लेने की कोशिश करती थी। वो नफी में सर हिलाती अपने हाथों को देखती थी, अपना चेहरा थपथपाती थी। वो फर्श पर धीरे से बैठने लगी। इसके पैर सुन होने लगे थे। वो ख्वाब नहीं था, वो इसका देखा हुआ ख्वाब था। वो इस ख्वाब से खुद को जगा रही थी। आंखों से गरम गरम आंसू उबल उबल कर गिरने लगे थे। किसी एहसास से इसे ऐसा लगा जैसे कोई इसे देख रहा है, लेकिन किसे होश थी? अब कहाँ इसे कोई परवाह थी। इसने फटते दिल से सर पकड़ लिया था। नहीं नहीं मुजम्मिल, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। शेर खान महक को लेने बिल्डिंग में आया था। उधर ही अहमद भी पीछे चिराग छुपाए चला आ रहा था। वो इसे देखकर एकदम चौंका। अहमद तुम अभी? आवाज पर ठटक कर एहतजाजन मुस्कुराया। मुजम्मिल का नमाज के बाद बहुत इंतजार किया, लेकिन पता नहीं आज वो मस्जिद क्यों नहीं आया, तो सोचा देख लूं। वो इसे चिराग छुपाते देख चुका था। अहमद,
हाँ वो खासा संजीदा लगता था। इसने गहरी सांस ली। मुजम्मिल हॉस्पिटल में है यार, उसको बद्दू पड़ गया। बद्दू? सांस तो जैसे थम ही गई थी। हाँ वो बड़ा सा काला सा बद्दू, वो तस्वुर ही नहीं कर पा रहा था। हाँ बहुत मारा है उसको। वो बिना मजीद कुछ कहे फौरन सड़क पर भागा। अहमद हो यार, बात तो सुनो। अहमद यार हमारा बात तो सुनो। वो भी इसके पीछे लपका। वो MD पार्क में भागा आया और सब्जे पर घुटनों के बल गिरा। उसने मोटे मोटे आंसू फेंकते दुआ के लिए हाथ उठाए। मुझे नहीं चाहिए कोई जेनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ले लो सब ले लो, बस मुझे मेरा मुजम्मिल दे दो। वो अपना चिराग घिसते हिचकियों से रो रहा था। जस्ट गो जेनी, जस्ट गो, बस मुझे मुजम्मिल दे दो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मुझे मुजम्मिल दे दो और फिर जाना का जहाँ जाना है जाओ। कौन बताए उसे, आज उसका जेनी ही तो नहीं ठीक था। कौन बताए उसे, लेकिन कौन बताए। सामने क्यारियों में लगे फूल देखकर उसे मुजम्मिल याद आया था। वो क्यारियों से फूल तोड़ रहा था। अहमद क्या करे हो, वो आस पर रुका। कोई नहीं देख रहा मुजम्मिल, कोई में बागा से फूल तोड़ने पर भारी जुर्माना हुआ करता था। बात किसी की देखने की नहीं है, तुम इसे तोड़ोगे तो ये कुछ देर तो जिंदा रहेगा मगर बाद में सूख कर मर जाएगा। जानते हो क्यों? क्यों, वो दिलचस्पी से बोला। देखो इसके घर वाले, इसके दोस्त अहबाब सब इसके साथ हैं, ये इनके साथ खुश रहेगा, लेकिन जब तुम इसे इनसे अलग कर दोगे तो ये इनके बिना तन्हा हो जाएगा और तन्हाई मौत होती है। हमें इन फूलों से ये सीखने को मिलता है कि हमारी जिंदगी में हमारी फैमिली और हमारे दोस्त कितने खास होते हैं, इसलिए ना तो इनसे अलग होते हो ना ही किसी को इनसे अलग होने देते हैं, समझे बच्चे। माजी की लहरें से छू छू कर गुजरती थी। अहमद तो नमाज नहीं पढ़ते, वो बरहमी से पूछ रहा था। कभी कभी पढ़ता हूँ, शेर खान झट से बोला। मुजम्मिल भाई ये अपना अम्मा से झूठ बोलकर आती है, कहती तो है कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ पर पढ़ती नहीं है। इसने कड़ी निगाह से इसे देखा। अहमद तुम अब 7 साल के हो, तुम पर नमाज फर्ज है। मुझे नहीं पढ़नी, वो मुंह बसोरे बोला। वो जरा सा मुस्कुराया। अच्छा तो ये बात है, इसने खफगी से रुख फेर कर हाथ बांधे। मैं नहीं डरता तुमसे, उठाओ शेरखाने से। और वो दोनों से उठाकर ले जाने लगे। ए ए छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं, अब तो मैं तुम्हें मस्जिद जाकर ही उतारूंगा। मोती टूट कर सब्जे पर गिरा। इस रोज इन 5 लोगों की जिंदगियां बंद घड़ी की माने थी, खामोश साकेत और एकदम रुकी हुई। लुलू प्लीज तुम सभा हॉस्पिटल आ जाओ, वो स्कार्फ पर पिन लगाते इससे बात कर रही थी। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे आना था, लेकिन लुलू प्लीज। ओके, बानो फातिमा ने आज इसे मिलने बुलाया था। वो रात के वो सीधा आलूदा कपड़ों पर ही अबाया पहनकर बाहर आधारी से गुजर रही थी। वो बार बार खुद से कहती थी, हुरैन सिर्फ देखोगी, दूर से सिर्फ दूर से, बात नहीं करनी नहीं करनी। इसे मेज से गाड़ी की चाबी पकड़ी। सर्द मौसम में वो बिना शॉल या ओवरकोट के कोई आम सी चप्पल पहनकर बाहर निकल गई। इसने धुंध से भरी आंखों से गाड़ी स्टार्ट की थी। रास्ते में कोई जाने कितनी मरतबा वो गाड़ी रोक रोक कर अपने आंसू साफ करती थी, मगर आंखों के आगे बार बार एक ही चेहरा छा जाता था। वो अस्पताल के बाहर पहुंची। सड़क पर इंतहा का रश था, गाड़ियों पर गाड़ियां कतार में खड़ी थी। पार्किंग में तो बहुत देर हो जाएगी, वो बिना कुछ सोचे समझे यूं ही गाड़ी एक तरफ लगाए बाहर निकली। गाड़ियां यहां वहां से गुजरती थी, इसका सर चकराता था, दिल घबराता था। वो आगे बढ़ी और इसका वजन एक पाँव पर ज्यादा पड़कर मुड़ा। इसने चौंक के नीचे देखा तो इसकी चप्पल टूट गई थी। तभी हॉर्न मारती गाड़ी सामने से आई। वो खौफ से एकदम पीछे हुई। वो इस टूटी चप्पल से चलने की कोशिश करती मगर वो कमबख्त इसे चलने ही ना देती। इसने उतारकर दोनों चप्पलें पैरों से निकाली और चलती गाड़ी को छोड़कर सड़क पर तेजी से भागने लगी। वो पार्किंग से गुजर रही थी, रेत पर भागते भागते पाँव पर कोई पत्थर भी फिरा था, पाँव से खून भी निकलने लगा था, लेकिन किससे परवाह थी कि इसे भी तो कोई चोट लगी है। पैर जख्म से दर्द करने लगा था, लेकिन वो खुद से कहते एक मिनट नहीं रुकी। अरे कौन सी चोट, खून किधर, खून कहाँ, खून दर्द कैसा दर्द। अरब की तपती धूप के किस्से तो सभी ने ही सुने होंगे, लेकिन अरब की सर्द हवा में दिल दहला देने वाला ये जानलेवा किस्सा आज पहली मरतबा देखा था। वो नंगे पांव भागते, पैरों पर जख्म लगाते, चीजें गिराते अंदर आते पूछ रही थी, मुजम्मिल फुरकान पाकिस्तानी? मैम वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, आप वेटिंग रूम। वो बिना बात मुकम्मल सुने अस्पताल के सर्द फर्श पर भाग रही थी। धूल और खून से आलूदा कदमों के निशान इसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। वो बेजान वजूद की मानिंद सर्द थी, एकदम सर्द, सिर्फ सांसें चलती थी। दिल तो धड़कना जैसे भूल ही गया था। एक दिन वो था वो उसे खोने के डर से भाग रहा था, एक दिन ये था कि वो उसे खोने के डर से भाग रही थी या शायद खो चुकी थी। वो वेटिंग रूम में अंदर आते रुकी। सामने हादी अपना वीरान सा चेहरा लिए खड़ा था। वो सांस नहीं ले पाई थी। आहट पर वही एकदम चौंका, आप यहाँ? वो कहती तो क्या कहती, वो यहाँ क्यों आई थी, किस हक से आई थी। इसे हैरत हुई थी और गुस्सा भी चढ़ा था। मैंने सुना मुजम्मिल ये देखने आई है कि अभी तक मरा है कि नहीं।
नहीं, हादी मेरी बात सुनो, आपकी वजह से है वो यहाँ। मेरी वजह से एक मिनट के लिए तो जैसे इसके कानों ने काम करना ही छोड़ दिया था। वो चबा चबा कर बोलता था, इस बद्दू ने इसे पैसों के लिए नहीं मारा, इसने इसे अपना 3 साल पुराना बदला लिया है। शक्ल शक्ल देखी है इसकी। हादी जबान साथ नहीं दे पा रही थी, आंखें भीगने लगी थी, वो बर्फ बनने लगी थी, चारों तरफ से बर्फ। हाँ, ना शक्ल ही तो नहीं देखी, किस तरह इसे मारा है। कोई जानवर को भी इस तरह नहीं मारता। इसका कहा एक एक लफ्ज इसे किसी खंजर से कम नहीं लगता था। मिसहूर, अगर इसे कुछ हो गया ना तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी, सिर्फ आप। अब इसे कुछ सुनाई नहीं देता था, कानों में तो बस एक ही आवाज गूंजती थी, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से। एहसास नदामत इसे अंदर से घुन की तरह खाने लगा था। उसे देखने आई है? मैं नहीं देखने दूंगा, जाए यहाँ से। एक दिन तुम मुझसे मिलना चाहोगी, लेकिन तुम्हें कोई मिलने नहीं देगा। ओहो, क्या कह रहे थे, मुझे खुशफहमी है? तुम्हें तो मुझसे बड़ी बड़ी खुशफहमियां हैं। हाँ, लोफर, किसने सोचा था इसकी कही हुई बात यूं सच होगी? किसने सोचा था, लेकिन किसने? वो बिना कुछ कहे मैं कान की अंदाज में मुड़ गई, उसे जाता देख रहा था। आखिर ये यहाँ क्यों आई थी? अब कौन बताए इसे वो यहाँ क्यों आई थी? पैरों से धूल के जर्रे झड़ने लगे थे, अब सिर्फ खून की बूंदें फर्श पर लगती थी, सुर्ख अंगूठे की छाप पीछे रह गई थी। बेला जी मैम, बी नेगेटिव का जल्द अज जल्द इंतजाम करो, इस पेशेंट का बहुत खून बह गया है। इसने कॉरिडोर में दो नर्सों को आपस में बात करते सुना। इसके फैमिली मेंबर से पूछो, और अगर किसी का नहीं है तो जल्द अपना खून अतिया करें, ताकि इसके बदले में हम बैंक से मंगवा सकें। वो फौरन से इनकी तरफ चली आई। आप किसकी बात कर रहे हैं? मुजम्मिल मुजम्मिल फुरकान की? जी, लेकिन आप कौन है? वो चंबे से देख रही थी। मैं, इनमें से एक झट से बोली, इनकी वाइफ है? हाँ, मैं ओ नेगेटिव हूँ, आप मुझसे ओके फिर जल्दी चले। वो इनके साथ फौरन से कमरे से चली आई थी। मैम ये फॉर्म भर दें, इसने कपकपाते हाथों से कलम फॉर्म पकड़ा, इस पर इसने नाम हो लिखा। बेला क्या करी हो, बाद में करवाना साइन, वो हड़बड़ाहट से बोली थी। इसने झट से कलम छोड़ा। जी आप पहले ब्लड ले लें, बैठे। इसने इसे स्ट्रेचर पर बिठाया। हूर तुम हो? मुझे हूर मत बुलाओ। अच्छा म्याओ म्याओ तुम हो? हाँ मैं हूँ। वो इसे सुई लगाने लगी और इसने एकदम हाथ पीछे किया। मैम ये क्या कर रही है, जल्दी करें। इसने गहरी सांस लेकर आंसू जब्त किए। मेरा कोई डर तुम्हें खोने के डर से बड़ा नहीं हो सकता। इसने हाथ आगे किया, लगाए नर्स। हूर बेटा एक इंजेक्शन है, हूर बच्चे प्लीज। वो छोटी सी गुड़िया स्ट्रेचर पर चढ़ती, चीजें गिराती, इधर उधर भागती, सबको तिगनी का नाच नचाती थी। नहीं अब इंजेक्शन नहीं, हूर प्लीज। डॉक्टर नर्सेस सब इसकी मन्नतें करते थे। नो डॉक्टर अंकल, पाए पर आंखों से बूंदे टप टप गिर रही थी। मुजम्मिल तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है ये इसके आगे बहुत कम है। मैम हो गया, वो छोटी सी पट्टी लगवा कर उठी। एक मिनट मैम, आप ये फॉर्म फिल करें। तभी दरवाजे पर कोई नर्स आई। डॉक्टर सईदा बुला रही हैं बेला, जल्दी आओ, पेशेंट की हालत काफी संगीन है। इसने ठटक कर दरवाजे पर देखा, अल्लाह, और दिल पर हाथ रख लिए। मैम फिक्र न करें, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप ये फॉर्म फिल करें, मैं आती हूँ। वो कमरे से निकल गई, इसका सर फटने लगा था। वो फॉर्म उधर छोड़कर कमरे से बाहर निकल आई। वो कॉरिडोर से गुजर रही थी, सामने से शेर खान अहमद महक के साथ चले आ रहे थे। अहमद ने इन बादामी आंखों को अपने करीब से गुजरता देखा था, वो इन्हें पहचान सकता था, वो इन्हें बिल्कुल पहचान सकता था, लेकिन अभी इससे बात करने का दुरुस्त वक्त नहीं था। वो अस्पताल से बाहर निकलने लगी, तभी उधर से लुलू अंदर चली आई। लाहूर, वो एक सेकंड के लिए इसे पहचान नहीं पाई थी। ये क्या हालत बनाई है, इसने इसे शानों से पकड़ा। वो इसे ऊपर से नीचे देखती शिशिद्दर रह गई थी। सख्त सर्दी में ना कोई स्वेटर ना कोई शॉल, शिकन आलूद अबाया, स्कार्फ पर सिलवटों भरा नकाब, हाथ में ना तो कोई मोबाइल ना ही कोई पर्स, और जख्मी रेत में आलूदा नंगे पाँव। हूर क्या हुआ है, मुजम्मिल कैसा है, वो उसे झंझोड़ते हुए पूछ रही थी। हूर तुम्हें क्या हो गया है, इसका सर दर्द से फट रहा था, पूरा अस्पताल से घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। इसने इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और एकदम छोड़ा, ऐसा लगता था जैसे वो फ्रीजर में लगी हो। तभी इसकी नज़र हाथ पर लगी पट्टी पर गई। तुमने ब्लड डोनेट किया है, इसकी आंखें पटने लगी थी। हाँ तुमने कुछ खाया, वो मेरी वजह से इस हालत में है। लुलू क्या क्या कह रही हो, इसे कुछ हो गया तो मैं इसकी जिम्मेदार होंगी। मैं लुलू, वो ना तो सांस ले पा रही थी और ना ही कुछ समझ पा रही थी। लुलू इसे कुछ हो गया तो मैं, इसने इसके बाजू को जोर से थाम लिया।
मैंने क्यों इसकी बात नहीं सुनी लुलू, मैंने क्यों नहीं सुनी, वो वही बद्दू था लुलू, वो वही था, इसने इसे पैसों के लिए नहीं मारा, सारी बात में इसे अप करंट लगा था, इसने बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया। वो तुम्हारे पाँव पर चोट लगी है, यहाँ से बैंडेज करवा लेते हैं, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, इसने झट से इसके बाजू छोड़े, बाहर में गई चोट, वो ज़रा पीछे को हुई और इसे नाखून दिखाते बोली, मुझे सिर्फ इतनी सी चोट आई है, इतनी सी, हूर घर चलो मेरे साथ, घर चलो। वो इसे बच्चों की तरह पकड़ते बाहर निकलने लगी। वो मुस्तफ़ा को भेज कर इसकी गाड़ी में आई थी। हुरैन ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम चलती गाड़ी को यूं ही छोड़ गई, ना मोबाइल है तुम्हारे पास, ना ही बताका, वो क्या गया है तुम्हें, जिस्म से जान निकल जाती है जब जान की जान पर बात आती है। वो गाड़ी स्टार्ट करते करते रुकी, इसने मकान के अंदाज में गर्दन मोड़ी। एक इंसान के दिल पर क्या बीत सकती है जब इसे ये पता चले कि वो जिस शख्स से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है इसकी जान इसी की वजह से खतरे में है, तो इस पर क्या बीतती है लुलू। वो बर्फ़ बनी आंखों से इसे देख रही थी। ये इसने क्या कह दिया था, शायद ये तो वो खुद से भी समझ नहीं पाई थी। वो तो इतनी हसास तो नहीं थी, वो तो यूं ही हर किसी के लिए नहीं रोया करती थी, इसे अच्छे से याद था। इनकी कॉलेज के दिनों में यूके में हमजा के साथ एक छोटा सा सड़क हादसा पेश आया था। वो फुटबॉल प्लेग्राउंड में बबल चबाते बड़े आराम से कानों में आला लगाए कर गीत सुन रही थी। शर्म करो मंगेतर है तुम्हारा, आयजा कबकी से कह रही थी, मगर किसी असर था, तुम्हें वाकई में कोई शर्म नहीं है ना, वो गुस्से से आला निकालते आईब्रो उचकाकर बोली। सो व्हाट हूर, तुम कितना बदल गई हो, आज वे इसे कहे बिना नहीं रह पाई। वो उदासी से मुस्कुराई, मैं नहीं बदली, मेरा दिल बदल गया है। वो इसे घर ले आई थी, लाउंज में वो उसके पाँव का जख्म साफ कर रही थी, आंखों में मोती अब भी वैसे के वैसे थे, इसे तो आज वैसे भी इनसे मिलने आना था, लेकिन किसने सोचा था ऐसे, लेकिन किसने, बानो खफगी से उन्हें देख रही थी। तुम लड़कियां मुझे कुछ बताओ या ना बताओ, सब समझती हूँ मैं, यूं ही बाल नहीं सफ़ेद किए मैं, किसी किसकी वजह से रो रही है ये और किसके लिए रो रही है, किसी के लिए, वो उदासी से बोली थी। इसने कुछ किया है या इसे कुछ हुआ है, इसे कुछ हुआ है, उन्होंने दिल पर हाथ रख लिया। अल्लाह ए परवरदिगार रहम कर, जवाबन वो कुछ नहीं बोली। उन्होंने इसके लिए खास नाश्ता बनवाया था, लेकिन इसे खाना तो दूर की बात, इसे चखा भी नहीं था। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद उन्होंने इसे चाय का एक कप और साथ एक ब्रेड का टुकड़ा खिलाया था। बेटा खा लो, कमजोरी हो जाएगी। नाश्ते के बाद वो इसे अपने कमरे में आराम करने के लिए लाई थी। वो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी छत की सिम देख रही थी, आंखें रो रो कर सुर्ख हुई हुई थी। हुरैन ये यकतरफा है, यकतरफा है या दो तरफा, मोहब्बत तो है ना, अब ये कोई सौदा थोड़ी है, जो इसने नहीं किया तो मैं भी नहीं कर सकती, और वैसे भी अच्छा ही है कि वो यकतरफा है, क्योंकि दिल टूटने का या बेवफाई का तो कोई चांस ही नहीं होगा। इसने कुछ सोचते सर को जुम्बिश दी। इसे अचानक याद आया, अच्छा ये पेन किलर ले लो और थोड़ी देर सो जाओ। इसने साइड टेबल से दवा उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई, वो इसे दवा खिलाकर बाहर निकली। इसने डोर नॉब पकड़ कर दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली। जंगल की बिल्ली को चाइना के बिल्ले से मोहब्बत है, वेरी डेंजरस। वो डोर नॉब घुमाते कमरे में चली आई। मैम आपके हस्बैंड, कमरा खाली था। इसने स्ट्रेचर से वैसे ही अधूरा पड़ा फॉर्म उठाया। वो उलझी, ये क्या भरा नहीं, लगता है वेटिंग रूम में होंगी। वो कॉरिडोर से गुजरती वेटिंग रूम की तरफ चली आ रही थी। वो मुसराबी से खड़े इसी के मंतजर थे। इसे करीब आता देखकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे अभी अभी सब खत्म हो जाएगा, अभी अभी सब थम जाएगा। वजूद में कोई गर्दिश महसूस नहीं होती थी, वो भी मौत की तरह सर्द थे। दिल जोर जोर से घड़ी की सुइयों की तरह घूमता था, मगर फिर इस एक ज़ात पर इनका भरोसा कायम था, वो ज़ात जो रास्तों से रास्ते निकालती थी, वो ज़ात जो राहों से राहें दिखाती थी। वो इनके करीब आ रुकी। हादी ने आंखें मीच ली, वो खतरे से बाहर है, और एकदम इसने आंखें खोली। बर्फ के बेजान में जस्मों की जान में जान आई थी। इसे तो इस रब ने ही बचाना था, इस पर तो इस ज़ात को रहम आना ही था, जिसके कितने चाहने वाले थे, जिसके लिए कितने हाथ उठाने वाले थे। भला वो कैसे इतनी दुआओं को रद्द कर देता, भला वो कैसे अपने बंदों को खाली हाथ मोड़ देता। बेशक बेशक वो तो बड़ा करीम है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, महक का शुक्र अदा करते करते मुंह नहीं थकता था। इसकी सोनी गोद एक मरतबा फिर से हरी हो गई थी। खाला बस अब तुम बैठो, शेखान इसे बिठाने लगा। एक्सक्यूज मी सर, यस, पेशेंट की वाइफ कहाँ है, इसने इसे तलाश करते हुए सबने देखना चाहा। अहमद यकयक चौंका, सॉरी, हादी चंबे से बोला था, मिस्टर मुजम्मिल की वाइफ, उन्होंने ही तो इन्हें ब्लड दिया था। एक मिनट, क्या नाम है, वो फॉर्म से पढ़ने लगे। हूर, जी जी सर, हूर किधर हैं, इसने खुश लोगों पर जबान फेरी, वो घर गई हैं, आप हमें दे दें फॉर्म। जी ठीक है, वैसे हम इस तरह करते तो नहीं हैं,
लेकिन इनकी हालत काफ़ी संगीन थी, इसलिए हमने बिना फॉर्म भरे खून ले लिया। ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। जी ठीक है, अहमद कभी इसके बौखलाए चेहरे को देखता था तो कभी नर्स को। इसे फॉर्म भरते से पकड़ाया, शेर खान भी चला आया। क्या हुआ भाई, अहमद ने इसका हाथ खींचा। हादी अभी नहीं करो अहमद, वो ये सब देखकर शिशोपंच में मुब्तला हो गया था। इसने सरगोशी की, मुजम्मिल के बारे में है, क्या हो गई है अहमद, मुजम्मिल का बटवा दो, इसके माथे पर बल पड़े। क्यों दो ना, वो बेजार हुआ था। इसने पैंट की पॉकेट से बटवा निकाला, इसने जल्दी से पकड़ कर बटवे से तस्वीर निकाली। ये मुजम्मिल की बीवी है ना, और तस्वीर देखकर तो इनका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मुजम्मिल ने चोरी छुपे शादी की हुई है ना, पता है मुझे, इसकी बीवी यहाँ भी आई थी। ठीक कह रहा हूँ ना मैं, मुझे तुम लोग बच्चा समझते हो क्या? वो बड़ी चालाकी से इनसे पूछ रहा था। ओ मेरे खुदा, मैं क्यों नहीं समझ पाया, मुजम्मिल हूँ तो क्या हूर भी हुआ क्या? हादी भाई, वो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से शहरी। क्या जाहिर है मियाँ बीवी हैं तो करेंगे ही ना, अहमद महसूस हुआ। तो हमको बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो खुद नहीं जानते, वो शौक था, एकदम शौक। ये हूर को मारेगा, हूर को बचा लेना, हूर को। इसे अब समझ में आ रहा था, इसे सब समझ में आ गया था। वो तो बिन बोले ही इसकी हर बात समझ आया करता था, फिर वो ये क्यों नहीं समझ पाया था? वो अक्सर मुजम्मिल से पूछा करता था, तुम इसे पसंद करते हो? और वो हमेशा इसे ना में जवाब दिया करता था। वो वाकई से पसंद नहीं करता था, वो तो इससे मोहब्बत करता था। वो कुछ देर सोच कर शरीर से मुस्कुराया, हूर पर जिन आशिक है, वेरी इंटरेस्टिंग। वो शाम को लुलू के साथ अस्पताल में चली आई, वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ी। मुजम्मिल फुकान, मैम आप पाकिस्तानी मरीज की बात कर रही हैं? जी, वो जो सुबह केस आया था। हाँ, वो झट से बोली, मैम मुर्दाखाना सेकंड फ्लोर पे है। क्या क्या कह रही हैं आप? नहीं मैम, इसकी तो सुबह ही डेथ हो गई थी। नहीं, वो जोर से चिल्लाते उठ बैठी। वो फौरन से कमरे में भागी आई। हूर हूर क्या हुआ? लुलू इसकी डेथ हो गई, लुलू मेरी वजह से इसकी डेथ हो गई। नहीं हूर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखो, उसने मोबाइल पर कुछ खोलते से दिखाया, ये देखो हादी के स्टेटस। आंसू फौरन से गायब हुए। इसने मोबाइल झपट कर पकड़ लिया। थैंक गॉड, वो इनके साथ जुम्मा पढ़ने गई थी। उधर से वापस आकर वो लुलू की मैक्सी में मलबूस बालों के साथ लॉन में बैठी थी। लुलू किचन में खाने की तैयारियां कर रही थी। नहीं मिला तो, वो सब्जे पर नजरें जमाए बोली, ऐसे क्यों कह रही हैं? आईने में शक्ल देखो जरा अपनी, खुद ही समझ जाओगी। वो इन्हें देखकर उदासी से मुस्कुराई। कभी कभार आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनसे आपका कोई रिश्ता कोई वास्ता नहीं होता। वो आपके कुछ नहीं लगते, वो आपके कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको अच्छे लगते हैं। वो आपको मिले या ना मिले, वो आपके हो या ना हो, वो जिंदा हो या मुर्दा, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, बिना किसी ख्वाहिश के यूं ही उनसे मोहब्बत करते रहते हैं। लोग पता नहीं इस जज्बे को क्या कहते हैं, मैं तो इसे पाक मोहब्बत कहती हूँ। वो मुझे मिले या ना मिले, मुझे मेरी पाक मोहब्बत मिल गई है, मैं खुश हूँ। तो बेटी अब क्या करोगी, वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। इसने गहरी सांस ली, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा है, अब इससे ही इस पर ही सब कुछ छोड़ दिया है। वो जरा सा मुस्कुराई, खुदा करे वो तुम्हें मिल जाए, तुम्हारी मोहब्बत वाकई में पाक है। इसने उदासी से सर को खम दिया। इसके हाथ में लुलू का सेलफोन बज रहा था। वो धुंधली आंखों से खिड़की में बैठी नवंबर की बर्फीली बारिश देख रही थी। सूरज तो आज तुलू ही नहीं हुआ था। इसने नजरें फेर कर स्क्रीन पर देखा, अनमता का नाम स्क्रीन पर जगमगा रहा था। इसने बाहर देखते कॉल उठाई, हेलो हेलो हूर, कब की गई हो, अब आवे जाओ ना। इसका ना तो इससे लड़े बिना गुजारा था और ना ही इसके बिना रहे। रात को आऊंगी, आवाज में ना तो कोई हरकत थी ना ही कोई एहसास। सऊदीया बॉर्डर पर बर्फ गिर रही है हूर, हम लोग जा रहे हैं। खामोशी, तो तुम नहीं आ रही हो हूर? नहीं हूर, बर्फ पड़ रही है, बारिश हो रही है। कौन बताए से, वो भी आज किसी बर्फ से कम नहीं थी। कौन बताए से, जब आंखों में बरसात का बसेरा हो जाए तब फिर बाहर की बरसातें अच्छी नहीं लगा करती। कौन बताए से, लेकिन कौन बताए? दिल नहीं। ओ हाँ, तुम्हें पता है मुजम्मिल को बदबू ने? इसने गहरी सांस ली। अनु बाद में बात करती हूँ, मानो बुला रही है। फौरन से कॉल बंद करते इसने अपने सर को झटक कर खिड़की से लगा लिया। ये क्या कह दिया था आज उसने, ये वो कहाँ फंसी थी? इसने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और बर्फ का एक टुकड़ा इसकी हथेली पर गिरा। वो इसे देखकर मुस्कुराई, क्या करूँ, तुम्हें जाने दूँ, भूल जाऊँ, कोशिश करती हूँ। और इसने इसे बह जाने दिया। अब इसने मोबाइल से कुरान ऐप खोला, फिर जब दाखिल हुए इसके पास बोले, ए अजीज,
पड़ी हम पर और हमारे घर पर सख्ती, और लाए हैं हम पूंजी नाकिस, सो पूरी दे हमको भरती, और खैरात के हम पर अल्लाह बदला देता है खैरात करने वालों को। क्या कुछ तुमको खबर है क्या किया तुमने यूसुफ से और इसके भाई से जब तुमको समझना थी। पूरी ज़िंदगी अपनी ज़बान पर आप अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के मुतालिक एक हर्फ नहीं लाया था। शिकवा किया था तो क्या अंदाज था शिकवा करने का, और आज अगर हमारे बहन भाइयों से ज़रा कोई बात हो जाए तो हम जाने कितने कितने महीनों सालों इनका मुंह नहीं देखते। लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि अल्लाह ने जब इन्हें एक खून से जोड़ा है तो इसलिए नहीं जोड़ा कि वो अलग हो जाए। अलग होना ही होता तो वो आपको आपके घर से क्यों जोड़ता। बोले, क्या सच तू ही है यूसुफ? कहा, मैं यूसुफ हूँ और ये है मेरा भाई। अल्लाह ने एहसान किया हम पर, अलबत्ता जो कुछ कोई डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह ज़ाया नहीं करता हक नेकी वालों का। वो सर झटक कर उदासी से मुस्कुराई, नेकी वाले, मैं तो नेक नहीं। बोले, कसम अल्लाह की, अलबत्ता पसंद कर लिया तुझको अल्लाह ने हमसे, और हम थे चौंकने वाले। कहा, कुछ इल्ज़ाम नहीं तुम पर आज, बख्शे अल्लाह तुमको, और वो है सब मेहरबानों से मेहरबान। वो आंसुओं से मुस्कुराई, अगर इसे रुलाया था तो इसे ही हंसाना भी तो था। ले जाओ ये कुर्ता मेरा और डालो इसको मुंह पर मेरे बाप के चलाया आंखों से देखता हुआ, और ले आओ मेरे पास घर अपना सारा। और जब जुदा जुदा हो काफला, कह कहा इनके बाप ने, मैं पाता हूँ बू यूसुफ की, अगर ना कहो मुझको बूढ़ा बहक गया। वक्त हर चीज़ का इलाज है सिवाय मोहब्बत के, अगर मोहब्बत का कोई इलाज होता तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इतने साल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गिरिया न किया करते। इसने आंसू पोंछते टेक लगाई और गहरी सांस लेते आंखें मूंद लीं। 15 रोज़ बाद लुलू अनमता लाउंज में कोई कोयती ड्रामा देख रही थी। हुरैन किचन में इनके लिए चाय बना रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, अनमता, हाँ तुमने कभी ये सुना है कि टॉम को जेरी से मोहब्बत हो गई है? वो हिचकिचाते हुए पूछ रही थी। इसने टीवी बंद किया और इसकी तरफ मुतवज्जे हुई। तुम इतनी मैच्योर होकर टॉम एंड जेरी की लव स्टोरी के बारे में सोच रही हो लुलू? इसने झुझरी ली। ओ अनमता, फर्ज करो ना, टॉम को जेरी से मोहब्बत है, इसने सोचते हुए सर को जुम्बिश दी। और अब टॉम जेरी को कभी खाने की या इससे लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। वह एकदम शक्ल बिगाड़े बोली, टॉम को जेरी से मोहब्बत है, वेरी स्ट्रेंज है ना? मैं भी कब से टॉम को यही समझाने की कोशिश में लगी हुई हूँ कि तुम्हें जेरी से मोहब्बत नहीं हो सकती, पागल हो गई हो? वो खफगी से कहते उठ खड़ी हुई। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा और मेरा भी कर रही हो? वो लाउंज से निकलने लगी। ये लव स्टोरी मैंने नहीं बनाई, हाँ, और इसने खफगी से सर झटक दिया। फरहाना पड़ोस में किसी के घर गई हुई थी। वो लाउंज में अकेली बैठ बैठ कर बोर होने लगी थी। हूर क्या कर रही हो? वो ये कहते किचन में चली आई। सामने ही वो एप्रन पहने पकौड़ों के आमेजे को मिक्स कर रही थी। वो चहकी, पकौड़े बना रही हूँ। हाँ, लूलो को पकौड़े बेहद पसंद थे। उसे सभी पाकिस्तानी डिशों के बारे में हुरैन से ही पता चला था। कुछ देर खामोश रहने के बाद इसने गला खंकारा, हूर मैंने तुम्हारे मसले पर काफ़ी सोचा है। वो प्लेट में पकौड़े निकाल रही थी। वो जख्मी सा मुस्कुराई और बोली, क्या फ़ायदा सोचने का? इसने संजीदगी से गहरी सांस ली। हूर, दुनिया गोल है, लोग मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, ये सब तो चलता रहता है। दुनिया गोल होती है लेकिन मोहब्बत गोल नहीं होती। मोहब्बत तो बहुत ही टेढ़ी होती है और अगर एक मर्तबा इंसान इस टेढ़े चक्कर में फंस जाए तो वहीं के वहीं वो पैवस्त होकर रह जाता है। फिर वो लाख कोशिशें करे, रोए या गिड़गिड़ाए, वो इस चक्कर से नहीं निकल सकता। मैं भी नहीं निकल सकती, लिहाजा मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो ट्रे में चाय पकौड़े रख कर किचन से निकलने लगी। वो भी इसके पीछे चली आई। वो, तुम बैक वक्त दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकती। मोहब्बत तुम किसी और से करती हो, शादी आंटी अंकल की पसंद से करोगी। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी को मजाक बना रही हो? तो क्या करो लूलू? उसका दिल भर आया था। तो तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती? इस जैसे कितने मुजम्मिल होंगे, आंटी अंकल देखेंगे ना? जवाबन वो हंस पड़ी। अच्छा, हंस क्यों रही हो? उसे गुस्सा चढ़ा था। सोच रही हूँ वो जो लाखों में एक अजूबा है, तुम सब इस जैसा कहाँ से देखोगे? इसे इस पर रहम आया था, रश भी आया था। बिना किसी ख्वाहिश के कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? अनमता, चलो आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है हूँ,
मुझे लगता है वो मुझे ढूंढ लेगा। चेहरा पुरएतमाद था, ऐसा लगता नहीं था, इसे सिर्फ लगता था। ऐसे लगता था कि इसे एतबार था। वो इसे अचंभे से देखते बोली, कैसे? वो मुझे हमेशा ढूंढ लेता है, इस मरतबा भी ढूंढ लेगा। इसने मुस्कुरा कर इसकी तरफ प्लेट बढ़ाई। वो इसे बगौर देखते फीका सा मुस्कुराई। अस्पताल के पलंग पर वो साफ रंगत चेहरा जर्द और पुरमुजदा लगता था। माथे पर पट्टी बंधी थी, होंठ के करीब जख्म का निशान अब जरा मध्यम होने लगा था। डॉक्टरों ने इसे दाएं या बाएं सिम्स होने से मना किया था। इसके जख्म अब भी गहरे थे, मगर अब इसे उठने बैठने की इजाज़त मिल चुकी थी। बहुत सा खून बह जाने के बायस इसे काफ़ी कमज़ोरी हो गई थी। इसे अब वहाँ रह रहे का कोफ्त होने लगी थी। अहमद इसके पहलू में बैठा टिफ़िन खोल रहा था। देखो, मैं तुम्हारे लिए टमाटर चिकन सूप बना कर लाया हूँ। वो ज़रा मुस्कराया। टमाटर का सूप? इसे बेख्तियार बिल्ली याद आई। मैं तुम्हें पिलाता हूँ। वो चम्मच गरम गरम धुआं उठते सूप में हिला रहा था। वो चम्मच इसके मुंह के करीब लेकर गया। मैं कर लूँगा अहमद, इसने इससे चम्मच पकड़ा। लेकिन तुम्हारे दाएं हाथ का ज़ख्म अब भी ठीक नहीं हुआ, वो खपकी से बोला। मजबूरी में बाएँ से खा सकते हैं। जब मैं तुम्हें खिला रहा हूँ तो तुम्हें क्या मौत पड़ रही है? इसने करंट खाकर चम्मच छोड़ा। इसने गुज़िश्ता दिनों से एक बात नोट की थी, जैसे जैसे इसकी तबीयत बेहतर होती चली जा रही थी, वैसे वैसे इसकी माँ और इसके दोस्तों के रवैये में तलखी बढ़ती ही जा रही थी। दोपहर को महक जब इसे कॉरिडोर में टहला रही थी तो इसने इनसे कहा, मैं कर लूँगा अम्मी, थप्पड़ खाना है मेरे से। वो भी यूं ही खफगी से बोली थी। दरअसल ये हादी का प्लान था, क्योंकि वो जानता था कि वो जिन इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ नहीं करेगा, इसलिए इसे उकसाने के लिए इसने इन सब को अपने प्लान में शामिल कर लिया था। वो दरवाजे पे देखते किसी को तलाश करते कहने लगा, ये हादी किधर है अहमद? नमाज पढ़ने गया है। जिस दिन के तुम यहाँ हो इसने एक नमाज नहीं छोड़ी, और जुमेरात को तहज्जुद अलग से। इसने हैरत से सर को खम दिया। हाँ, तभी वो दोनों कमरे में चले आए। वो इन्हें देखकर बशाशा से मुस्कराया। अगर मुझे पता होता कि मेरे एक्सीडेंट के सबब कोई 5 वक्त नमाजी हो जाएगा तो मैं बहुत पहले ही कर लेता, वो महसूस हुआ था। मैंने थप्पड़ मारकर मुंह तोड़ देना है। हाँ, फिर पड़ी रहना थोड़े दिन और। इधर इसका चेहरा सुर्ख होने लगा। अब वो मजीद अपना गुस्सा जब्त नहीं कर सका और बोला, मैं थोड़े दिन के लिए बिस्तर पर क्या पड़ा? तुम लोग तो बदतमीजी हो गए, कैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, सारी जबानें तो तुमको ही आती है ना, इसने नाक सिकोड़ी। वो समझ चुका था, वो अब कुछ कुछ समझ चुका था कि दाल में कुछ काला नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली थी। इसने गहरी सांस ली। क्या बात है, क्या हुआ है? तुम लोगों को कुछ छुपा रहे हो? अहमद ने खफगी से हाथ बांध लिए। हमें गुस्सा है। किस लिए और किस पर? हूर पर। और इसने एकदम हादी को देखा। हूर इस सब में कहाँ से आ गई? अंदर ही अंदर इसका दिल जोर जोर से धड़का था। बहुत ठीक हुआ इसके साथ भी, वो एकदम सीधा हुआ। क्या हुआ इसे? मगर कुछ बोला नहीं। इसके कान सुर्ख होने लगे। कोई बकेगा कुछ? सांप क्यों सूंघ गया है अब? वो चिल्लाया था। किधर है वो? फिर भी खामोशी छाई रही। बको भी? हादी ने गहरी सांस ली। यार मुजम्मिल वो हूर, इसने जानबूझकर इसका इससे चेहरा बनाया। क्या हूर को क्या हुआ? इसका बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वो पूरे का पूरे अस्पताल ही सर पर उठा लेता। वो भी इस सुबह अस्पताल में थी, वो बौखलाया। वो अस्पताल क्यों? वो यहाँ? इसके साथ क्या हुआ है? कुछ बताते क्यों नहीं हो? और वो किधर है, किस फ्लोर पर? इसने उठने की कोशिश की। वो तीनों अंदर ही अंदर महसूस होने लगे थे। अहमद ने इसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त में ली। मुजम्मिल बैठे रहो, बैठे रहो। हाँ मुजम्मिल, वो नहीं है यहाँ, अब कोई फायदा नहीं है, अकरम भाई की आवाज़ जैसे कानों में गूंजी थी। मुजम्मिल वो नहीं है, वो सांस नहीं ले सका था। इसके रोंगटे खड़े होने लगे थे, जिसम सर्द पड़ने लगा था। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हादी इसके पलंग के गिर चक्कर लगाने लगा। वैसे यही होना चाहिए था इसके साथ, इसी की तो गलती थी सारी, सजा भी तो इसी को मिलनी थी ना। जो हुआ अच्छा ही हुआ, मगर हादी मैं जान ले लूँगा तुम्हारी, अहमद ने कपकपाहट से झुर्री ली। इसका दिमाग इसके इख्तियार में नहीं था, वो आधा सर्द था तो आधा गर्म। क्यों बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? इसने ज़ोर से पलंग के किनारे नोच लिए। है ही कौन वो तुम्हारी? वैसे शेर खान कितना बुरा हुआ ना बेचारी के साथ। हादी, इसका दिल दर्द से फटने लगा था। क्या हुआ है मुजम्मिल? कौन है वो तुम्हारी? तुम्हें इससे क्या? अच्छा है ना कि मर? और वो बेख्तियार चिल्लाया, हादी मैं इससे। वो कहते कहते रुका। वो फौरन से उबरूज करते बोला, क्या तुम इससे? इसे इसका यूँ खिला हुआ चेहरा देखकर अब सारी बात समझ में आई थी। 101 दफ़ा लानत तुम पर मुजम्मिल फुरकान,
वो सबको अपने शहर से अपनी बातों में लाने वाला कैसे कैसे आज इस एक लड़की के बायस अपने दोस्तों के बनाए जाल में फंस कर रह गया था। बोलो बोलो ना, अंदर अहमद खिलखिलाकर हंस दिया। यार मुजम्मिल भाई, इतना बोल दिया है तो आगे भी बोल दो। इसने नजरें चुराई। ऐसा कुछ नहीं है मुजम्मिल, वो इस दिन सुबह तुमसे मिलने आई थी। कौन? क्या मुझे इसका नाम लेने की ज़रूरत है? वो इसके साथ आ बैठा। और तुम्हें पता है तुम्हें खून किसने दिया? किसने? वो जवाब जानता था लेकिन वो फिर भी सुनना चाहता था। सॉरी सर, इसे फोबिया है। फोबिया? कैसा फोबिया? सुई से। मुजम्मिल वो बहुत परेशान लग रही थी और शायद रो भी रही थी, लेकिन मैंने गुस्से में इसे काफ़ी कुछ कह दिया। क्यों हादी? इसका दिल दुखा था। अहमद ने इसका हाथ जोर से हिलाया। तुम्हें इससे मोहब्बत है मुजम्मिल? मोहब्बत को पता नहीं, लेकिन जो इससे है वो किसी से भी नहीं। अहमद शेर खान ने चमकती आंखों से एक दूसरे को देखा। वो खुद भी नहीं जानता था कि इससे कितनी मोहब्बत थी। हादी ने गहरी सांस ली। वो लड़का जो पानी की एक बूंद से भी चढ़ जाता था, वही लड़का एक लड़की के से स्विमिंग पूल में गिरने पर उफ भी नहीं करता। वो लड़का जो किसी के आगे नहीं झुकता, वो एक लड़की के आगे झुककर इसके तस्मे बंद कर देता है। वो लड़का जिसे हमेशा मिस्टर रूट के नाम से बुलाया जाता है, वो एक लड़की से इस कदर बशाशत से बात करता है जैसे इससे ज़्यादा तो नरम दिल कोई है ही नहीं। और वो लड़का अपनी फैमिली की तरह एक अनजान लड़की की तस्वीर अपने बटवे में भी रखता है। मुजम्मिल, मुझे आज भी याद है तुम उस दिन होटल में कैसे दीवानों की तरह भागे थे। तुम्हारी ज़बान में तो पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन हमारी ज़बान में इसे मोहब्बत ही कहते हैं। इसने गहरी सांस ली। मुझे इसे मोहब्बत नहीं है, शायद मुझे इसकी आदत हो गई है। कौन बताए उसे? मोहब्बत भी तो एक आदत ही होती है जो छुड़ाई नहीं छूटती। तो मुजम्मिल भाई, आखिरकार तुम किसी की मोहब्बत में फेल हो ही गए। इसने सर पीछे फेंक कर आँखें बंद कर दी। फॉल हो गए। वो इस तराबी से इसे देख रहा था। कुछ देर खामोशी। हादी, उमर को कॉल मिलाओ, मूर के घर का एड्रेस पता करवाओ। किस लिए? वो समझ नहीं पाए। वो वैसे ही आंखें मुदे मुस्करा कर बोला, अब भाभी बोलने से तो नहीं बन जाती ना, भाभी बनाना भी तो पड़ता है। यस, अहमद तो खुशी से उछल कर चिल्लाया ही था, मगर साथ ही इन दोनों नौजवानों ने बच्चा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कब से आप लोग शोर मचा रहे हैं? दरवाजे पर नर्स ये कहते उन्हें गुस्से से देख रही थी। यहाँ और भी मरीज हैं, सर्कस थोड़ी चल रहा है यहाँ। मैं माजरत करता हूँ इनकी तरफ से, अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसने एक एक करके इन तीनों को खफगी से देखा। कोई बात नहीं। नर्स के जाते ही हादी ने पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाला। मुजम्मिल की नकली बीवी को इसकी असली बीवी बनाने का तरीका अमल शुरू होता है अब। वो इसे कॉल मिलाने लगा कि रुका, चेहरे से मुस्कुराहट गायब। ओ नो, अब क्या हुआ? मुजम्मिल, उमर तो कैनेडा है, हम भी कैसे भूल गए। ओह, इसे भी यकीन याद आया था। अहमद ने इसे मोबाइल लिया। कोई से बाहर गया है दुनिया से तो नहीं ना? फेसबुक व्हाट्सएप करो, इतनी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा अगर काम ही नहीं आती। मुजम्मिल ने बेबसी से सर झटका। व्हाट्सएप नहीं है हमारे पास, और फेसबुक पर एक्टिव 2 मंथ्स अगो आ रहा है, और वो हक्का बक्का हो गया। ओह, अब आप लोग क्या करोगे? इसने कुछ सोचते हुए गहरी सांस ली। मैं इसे ढूंढ लूंगा, छोटा सा तो कोई है, मैं इसे ढूंढ लूंगा। और वो तीनों बोले, कैसे कैसे? इसने लब दबाते नफी में सर हिलाया, ये तो मुझे भी नहीं पता। और वो दासी से मुस्कराया, मुझे नहीं पता वो मेरी कौन है, मैं इसका क्या हूँ, पर जब भी देखता हूँ इसे अपने आसपास ही देखता हूँ। हादी ने अहमद से मोबाइल लिया, मैं फिर भी इसे मैसेज कर देता हूँ, क्या पता ऑनलाइन आ जाए। अहमद ने किसी ख्याल से चुटकी बजाई, हादी फेसबुक पर देखें। हाँ, कोई तस्वीर? हाँ हाँ, कटलेस। हादी ने इसे खफगी से देखा। शहरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी संगीन बात हो रही है और तुम्हें कटलेस खाने की पड़ी है? क्रैप, कटी हुई तस्वीर कह रहा हूँ। और तस्वीर या आईडी तो तब हम देखेंगे ना जब मुझे इसका कोई नाम पता होगा। मुझे तो हूर के अलावा कुछ पता भी नहीं है, ना आगे का ना पीछे का। इसने गहरी सांस लेते चेहरे पर हाथ रख लिया। मुजम्मिल बेटा, वो फ़ौरन से पलटे, तानिया कोत आ रही है। और वो दोनों चिल्लाए, नहीं, फिर शोर, चले निकले यहाँ से।